हेलो नमस्कार दोस्तों, 5 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पे कि कौन कौन से एडिटोरियल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आज सारे ही आर्टिकल काफ़ी अच्छे हैं, तो आज हम दो आर्टिकल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सैटरडे को आर्टिकल काफ़ी कम होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आर्टिकल है, ये दिल्ली के बारे में है कि दिल्ली का आपको पता है काफ़ी बड़ा इशू चल रहा था कि भाई दिल्ली को फुल स्टेट बनाया जाए नहीं बनाया जाए, इसकी पावर वगैरह है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है, टीसी इशू था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल है, ये आर्टिकल बता रहा है कि भाई इंडिया में जॉब ग्रोथ की बात की जा रही है कि किस तरीके से इंप्लॉयमेंट है, उसके लिए क्या क्या स्कोप है, हमें कौन कौन से स्टेप उठाने हैं, तो इस आर्टिकल को हम भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल है ये इंडिया और आप बोल सकते हो नेपाल के रिलेशन को लेके है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये मुंबई फ्लड के बारे में है, तो इसको भी हम फ्लड मैनेजमेंट के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है साइड वाला ये आया है एक्चुअली फ्यूल के बारे में कि फ्यूल जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं इनके अंदर हमें एथेनॉल वगैरह मिक्स करना चाहिए ताकि पोल्यूशन वगैरह के काफ़ी बेनिफिट हमें मिल जाए, वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही जो हमारी एनर्जी डिमांड है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे अहम बात है कि हमारा इम्पोर्ट है ऑयल इम्पोर्ट वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल है एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में, और यहाँ पे जो आर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि भाई साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडियन क्या क्या स्टेप उठाएं, और ऑल ओवर वर्ल्ड को भी इसको डिस्कस किया गया है। तो ये जो कुछ कंप्लीट आर्टिकल हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया और नेपाल रिलेशन के लिए। देखो इंडिया और नेपाल रिलेशन की जब बात करें, आपको पता है कि इंडिया ने नेपाल के साथ मैत्री संधि वो जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो साइन कर रखी है। 2015 में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि उस टाइम पे नेपाल ने आरोप लगाया इंडिया पे कि भाई वहाँ पे ब्लॉकेट लगा दिया था इंडिया ने, उसकी वजह से इंडिया से सामान नेपाल नहीं जा पा रहा था, और नेपाल की एनर्जी सिक्योरिटी आप बोल सकते हो, फूड सिक्योरिटी, काफ़ी सारे इश्यूज वहाँ पे आ गए थे। और उसी दौरान नेपाल ने बोला कि देखो भैया आप बिग ब्रदर का जो रवैया अपना रहे हो ना वो बिल्कुल नहीं चलने वाला, और हम चाइना कार्ड उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। तो उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। देखो अभी वहाँ पे जो करंट प्रधानमंत्री हैं वो हैं ओली साहब वहाँ पे, और ओली अभी गए थे चाइना की विजिट पे, तो उन्होंने वहाँ पे चाइना में जाके कुछ ऐसे ऐसे मतलब आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने थोड़ा ऐसा फेवर दिया कि वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा पूरा ओवरव्यू बताया जा रहा है कि देखो अभी रिसेंटली चल क्या रहा है और इंडिया को क्या क्या स्टेप उठाने की जरूरत है ताकि रिलेशन को इम्प्रूव है वो किया जा सके। इसके बाद में देखो नेपाल क्या करता है कि इंडिया के साथ तो खेलता है चाइना कार्ड, और चाइना के साथ खेलता है इंडिया कार्ड। जैसे आपको बताऊं कि अभी जैसे नेपाल कोई भी काम इंडिया से कराना होता है तो क्या बोलता है, या तो आप ये काम कर दो नहीं हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इंडिया को या तो वो काम करना होता है तो फिर वो क्या करते हैं चाइना की तरफ चले जाते हैं, या उनके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है, और इसी तरीके से वो चाइना से अपना काम है वो अपनाते रहते हैं। मतलब एक तरीके से इंडिया चाइना कार्ड है वो खेलते रहते हैं नेपाल। अब बात यहाँ पे की जा रही है कि 2015 का जो ब्लॉकेट लगा था उस दौरान हमारे रिलेशन कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए थे, और उसकी हमें काफ़ी दिक्कत का सामना है वो अभी करना पड़ रहा है। और अभी रिसेंटली देखा जाए तो नेपाल की जो प्रधानमंत्री की यात्रा थी चाइना में, उसको बोला गया है यहाँ पे टुवार्ड्स चाइना 2.0, मतलब चाइना की तरफ उन्होंने नई अपनी पॉलिसी वगैरह वो लॉन्च की है कि चाइना के साथ हम कैसे कैसे काम करने वाले हैं। इंटरनेट के मामले में चाइना वहाँ पे अपनी हस्तक्षेप है, आप बोल सकते हो कि वहाँ अपना दबदबा वो बढ़ाता जा रहा है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ राइटर बता रहे हैं कि ओली साहब हैं उनका एक कहना है कि देखो भाई नेपाल है वो थोड़ा मतलब चाइना है वो मतलब ज़्यादा कंफर्ट लेवल है, चाइना में ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, और हम एक इंडिपेंडेंट एक सोवरेन कंट्री हैं, तो हमारी मर्जी है कि हम कौन सी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखें, कहाँ से हमें बेनिफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब देखो राइटर का क्या कहना है वो देखते हैं। राइटर का देखो ये कहना है कि भैया बात ऐसी है, नेपाल और इंडिया के रिलेशन में काफ़ी दिक्कत आ गई है, पहले जो रिलेशन थे किसी टाइम पे भाई भाई वाले वो रिलेशन आज वैसे नहीं रहे, आज रिलेशन में कुछ ज़्यादा ही तल्खी आ गई है, और इसीलिए हमें हमारा पैटर्न चेंज करना होगा, और जो बिग ब्रदर के रवैया अपनाने की जो बात है कि इंडिया उसके काफ़ी मामलों में हस्तक्षेप करता है वो इंडिया को छोड़ने होंगे, क्योंकि आज देखो नेपाल की डिमांड कुछ अलग है, आज नेपाल भी चाहता है कि यार वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो उसके दूसरी कंट्री उसमें हस्तक्षेप ना करें, तो इसीलिए इंडिया को भी उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात की जा रही है रिलेशन को कि इम्प्रूव करना है, तो रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए अहम बात यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल और एक तरीके से बफर जोन का काम करता है, तो दोनों ही कंट्रीज़ को नेपाल के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने चाहिए। अगर इंडिया के रिलेशन नेपाल के साथ ज़्यादा अच्छे रहते हैं तो उससे इंडिया को तो फ़ायदा है ही है, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल के साथ बॉर्डर टच होता है, हमारा बिहार का बॉर्डर टच होता है, मेनली यूपी का बॉर्डर काफ़ी टच है तो होता है, और काफ़ी पूरा देखा जाए तो बॉर्डर भी ओपन है, तो इसीलिए रिलेशन इंप्रूव करने में ही हमें फ़ायदा है। अगर हम ज़्यादा तल्खी लेके आएंगे, रिलेशन ज़्यादा बुरे हो जाएंगे, या तो उससे नुकसान ही होगा कि हमारे जो एरिया में अब हमारे आप बोल सकते हो कि माइग्रेंट्स वगैरह वो बढ़ जाएंगे यहाँ पे, इसी के साथ ही वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हिंसा वगैरह जैसी चीज़ें
बढ़ सकती हैं। इसके बाद में राइटर का कहना है कि देखो भाई, इंडिया को बिग ब्रदर का रवैया वगैरह अपनाने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेपाल की लोकेशन इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे रहते हैं तो उसके मतलब साफ साफ ये है कि चाइना का इंडिया पे, ये चाइना है वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेपाल एक तरीके से बफर जोन का काम है वो करता रहेगा। तो ये सारे कंप्लीट पॉइंट इस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए हैं। अगली बात की जा रही है दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि भैया दिल्ली का जो केस चल रहा था कि दिल्ली में जो LG हैं उनके पास ज़्यादा पावर है, और देखा जाए तो यहाँ पे CM साहब अरविंद केजरीवाल साहब उनके पास पावर कम है, तो उस चीज़ का इशू वगैरह चल रहा था कि LG हैं वो तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जबकि CM है वो यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं तो उनके पास ज़्यादा पावर वगैरह होनी चाहिए। तो उसका भी जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का वो हम देखने वाले हैं। देखो एक चीज़ आपको पता है कि दिल्ली है और पौंडीचेरी है दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, बट इसके बाद भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा यहाँ पे है, बट ज़्यादातर जो पावर है वो यहाँ पे LG के पास ही होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो अभी इश्यू ये था कि बार बार ISU मतलब यहाँ पे जो प्रधान सॉरी CM साहब हैं अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि भाई जो LG हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो हम कोई भी अगर उनके पास एक्ट वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सारे प्रेसिडेंट के अनुमति के लिए रख लेते हैं अपने पास, कि भाई प्रेसिडेंट जब अनुमति देंगे तभी हम काम करेंगे, और इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से हस्तक्षेप कर रही है दिल्ली के कामकाज में। ये सारा मेनली एक बड़ा इशू था। इसके अलावा और भी इशू ये थे कि भाई दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए, ताकि दिल्ली के जो सारी, क्योंकि दिल्ली है वो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, आप बोल सकते हो विधानसभा है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स हमने पहले काफ़ी बार डिस्कस किए हैं, बट आज हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई आखिर जो डिसीजन है वो आया क्या है। देखो डिसीजन कुछ इस प्रकार आया है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग, कि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं या आप बोल सकते हो कि CM वगैरह हैं तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट होके आए हैं तो उनके पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए जो हमारे आप बोल सकते हो कि दिल्ली के LG हैं वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार वो कोई भी कानून वगैरह है उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख लें कि भैया राष्ट्रपति अनुमति देंगे तभी मैं काम करूँगा। कुछ लिमिटेड या कुछ सेंसिटिव मामले हैं उनकी कंडीशन ही उनको वो चीज़ें एक्ट वगैरह है वो संभाल के रखना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है हम प्रेसिडेंट की एसेट लेंगे उसके बाद ही हम आगे इसको कंटिन्यू है वो करने वाले हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे CM है वो ऑब्वियसली इलेक्ट होके आए हैं तो उनके पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो मेन पावर है हमारे देश की डेमोक्रेसी की वो होती है जनता के पास, तो जनता ने जिन लोगों को इलेक्ट किया है वही तो काम करेंगे ना जनता के लिए, तो इसलिए उनके पास एटलीस्ट पावर तो होनी चाहिए ना। अब जनता के द्वारा जो इलेक्ट किया गया है नॉमिनेट यहाँ जो इलेक्टेड पर्सन है वो एक्ट बनाने की कोशिश तो करते हैं बट LG उनको रोक देते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कत है वो यहाँ पे आ रही है। फिर बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो तीन लिस्ट होती है हमारे देश में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कोंकण लिस्ट। अब बात की जा रही है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीनों चीज़ें आती हैं बेसिकली स्टेट के अंदर, बट अभी हो क्या रहा है ये तीनों चीज़ें दिल्ली की हैं ये आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है इसलिए ये तीनों चीज़ें हैं। आपको पता है कि यूनियन टेरेटरी में मैक्सिमम पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती हैं प्रेसिडेंट के पास, और इसीलिए ये सारी पावर हैं। पब्लिक ऑर्डर की बात कर सकते हो आप, पुलिस की बात कर सकते हो, लैंड की, और ये सारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये तीनों पावर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली है वो एक फुल स्टेट नहीं है, और इसलिए UT होने के नाते ये जिम्मेदारी बन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि भैया वो यहाँ पे ध्यान है वो रखे। तो इन चीज़ों पे तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो कुछ इस प्रकार है। बस सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ पे ये कहा है कि हाँ भी उस मामले में प्रेसिडेंट साहब को बार बार अनुमति लेने के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, बाकी सारे मामले बिल्कुल सही हैं। इसके बाद में बात की गई है कि देखो प्रेसिडेंट की अनुमति का इशू वो था उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक कुछ इस प्रकार है एक ये कि दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल है, इसलिए नेशनल कैपिटल से रिलेटेड जो भी मुद्दे आ जाते हैं या वहाँ पे आप बोल सकते हो कि नेशनल कैपिटल की सोवरेनिटी का इश्यू आ रहा है, उस कंडीशन की जो ऑर्डर वगैरह जो भी एक्ट वगैरह कुछ ऐसा बन रहा है तो उन मामलों पे प्रेसिडेंट की अनुमति है वो जरूरी होनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल मामले होते हैं किसी काम वगैरह के लिए तो ऐसा नहीं है कि उन सब के लिए भी आप प्रेसिडेंट की अनुमति है वो लो। तो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की है। इसके साथ ही अभी कंप्लीट तौर पे ये कहा गया है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी पावर है वो यहाँ पे दिल्ली में कम हो जाएगी, क्योंकि हर बार प्रेसिडेंट की अनुमति यहाँ पे जरूरत नहीं होगी कोई भी कानून वगैरह बनाने के लिए। बट लास्ट में राइटर एक सजेशन ये दे रहे हैं कि देखो अभी भी काफ़ी संदिग्धताएं भरी पड़ी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन ये जारी नहीं किया है, लिस्ट वगैरह जारी नहीं किया है कि भैया इन इन मामलों में या इन इन टॉपिक के कंडीशन में तो आप है वो प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए आपको कानून वगैरह बना के रखना है और इन मामलों के लिए आपको नहीं बना के रखना। तो वो यहाँ पे गाइडलाइन है वो जारी करनी चाहिए थी, और कंप्लीट लिस्ट अगर होती तो ज़्यादा अच्छा होता कि बाद में इश्यूज़ नहीं होता कि हाँ यार ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास रह गया मामला या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो ये सारे कंप्लीट इस आर्टिकल में पॉइंट है वो दिए गए हैं। अगला जो आर्टिकल हुआ है मुंबई फ्लड को लेके, तो देखो फ्लड की बात
यहाँ पे की जा रही है, तो ऐसी बात नहीं कि मुंबई की फ्लड का ही टॉपिक है। हम इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे चेन्नई की फ्लड को भी लेके कर सकते हो। इवन आप देख सकते हो कि सिटीज में सभी में फ्लड है, वो आती रहती है बेंगलुरु वगैरह में, तो वहां से आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि भाई फ्लड आती क्यों है। देखो फ्लड का एक अहम रीजन ये होता है कि ड्रेनेज सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है। 2015 में हमने देखा था चेन्नई में फ्लड आई थी, तो उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था ना उस टाइम पे कि चेन्नई के अंदर ड्रेनेज सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा था और सिटी के अंदर पानी भर गया और उस कंडीशन में फ्लड है वो आ गई। तो वही बात अभी मुंबई की लेके जा रही है कि मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अब ड्रेनेज सिस्टम काम क्यों नहीं करता, इसके काफी सारे रीजन है। देखो एक तो क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट ड्रेनेज सिस्टम पहले बना के रखती है एरिया को, उनकी यह सफाई नहीं होती है टाइम टू टाइम। तो वहां पे क्या है कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आप जो गंद है या गाद है वो जम जाती है स्लेट, तो उसकी वजह से काफी बड़ा इशू है वो आता रहता है। इसके साथ ही दूसरा इशू एक ये रहता है कि काफी बार जो भी वहाँ पे लीकेज वगैरह होते रहते हैं, मतलब ड्रेनेज वगैरह में, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। ड्रेनेज में देखो एक बड़ा इशू ये भी आ जाता है कि कई बार वहाँ पे क्या स्लम एरिया की झुग्गी झोपड़ी बन जाती है। अगर स्लम एरिया की झुग्गी झोपड़ी बनेगी तो अवैध निर्माण हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो भी नाले वगैरह होते हैं ना वो जाम हो जाते हैं। क्योंकि देखो अगर किसी नाले, जैसे ये मान लो कि ये एक नाला बना हुआ है यहाँ पे, और अगर इसी नाले के आसपास यहाँ घर बनना शुरू हो गया तो उस कंडीशन में नाला तो पूरा बंद हो जाएगा ना ऑलमोस्ट सा, तो यहाँ पे पानी नहीं जा पाएगा। इसके साथ इसकी सफाई नहीं हो रही, तो इसमें जो सिल्ट जो गाद है वो जमा होती रहेगी, तो पानी जाएगा किधर से? तो ये काफी बड़े इशू हो जाते हैं कि भाई ड्रेनेज सिस्टम सिटी का ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये है। इसके बाद में एक इश्यू होता है कि प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा और ऐसा इश्यू आएगा ही नहीं। तो ये सारे कुछ रीजंस मैंने आपको बताए। बाकी देखो बात ये की जाए कि भाई बारिश की वजह से हो रहा है, तो बारिश तो भाई नेचुरल चीज़ है, ये तो होके रहेगी, इसमें हम थोड़ी रोक सकते हैं कि नहीं बारिश हो या नहीं नहीं हो, तो नेचुरल फिनोमेना है, तो इस चीज़ को हम नहीं रोक सकते हैं। बट हमें जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करना चाहिए, मतलब कि कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से बारिश का पानी बाहर नहीं जा पा रहा है, तो उन चीज़ों पर हमें यहाँ पर फोकस करना है। इसके बाद में डायरेक्टरी कह रहे हैं कि देखो एक बड़ा यहाँ पे इशू बताया जा रहा है कि पॉलिसी मेकर, कि जो भी पॉलिसी मेकर हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है, जो भी वहाँ पे म्यूनसिपालिटी वगैरह कॉर्पोरेशन है, वो भी ढंग से काम नहीं कर रही है। तो अगर ये सब मिलकर काम करेंगे तो ही वहाँ पे फ्लड का ऑप्शन है या सोल्यूशन है वो दूर की जा सकती है। इसके बाद में राइटर केस स्टडी ले रहे हैं यहाँ पे कि 2005 की बात कर रहे हैं कि मुंबई में 2005 में भी काफ़ी फ्लड आई थी, उस दौरान भी काफ़ी जानमाल की नुकसान हुई थी, और उस दौरान ये गाइडलाइन तय की गई थी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम करना है। बट राइटर ये कह रहे हैं उस बात को आज लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं और अभी भी हालात वैसे ही हैं, मतलब हमने कुछ भी लास्ट जो भी एक्सीडेंट हुए उन एक्सीडेंट से हमने कोई भी सबक नहीं लिया है। तो अब टाइम ऐसा आ गया कि हमें वहाँ से कुछ सीखना चाहिए और हमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्लियर करना होगा। देखो जब आप ऐसी मेट्रो सिटीज़ हैं, मुंबई आप बोल सकते हो कि एक तरीके से काफ़ी अहम हो जाती है इंडिया के लिए, इवन मुंबई नहीं सभी सिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, अगर ऐसी सिटी में ही अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, वहाँ का ड्रेनेज काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि अभी 3-4 महीने वहाँ पे पब में एक आग लग गई थी, तो उस दौरान भी ये था कि वहाँ पे एग्जिट जो रास्ता था वो ब्लॉक था। तो मतलब क्या है कि देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ढंग से नहीं है, गाइडलाइन को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक तरीके से ताक में रख दिया जाता है, नियम वगैरह को फोकस नहीं किया जा रहा है, उस कंडीशन में तो ऐसे इश्यू हो रहे हैं ना। तो हम बात एक साइड तो ये कह रहे हैं अभी गवर्नमेंट की, देखो भैया हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, भैया आप स्मार्ट सिटी तो बाद में बनाओ ना, पहले जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तो क्लियर करो। जब पानी बाहर निकलने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तब स्मार्ट सिटी किस काम की? तो पहले हमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ फोकस यहाँ पे करना होगा। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो कई बार वहाँ पे पॉलिटिशियन वगैरह वो पॉपुलिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि जनता को लुभाने के लिए क्या कहते हैं स्लम एरिया में घर वगैरह बना देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अवैध निर्माण या इलीगल कंस्ट्रक्शन की हेल्प से क्या है वहाँ पे रास्ते रुक जाते हैं ड्रेनेज के और फिर बाढ़ वगैरह वहाँ पे आती रहती है। अब बात की जाए पॉपुलेशन की, तो देखो सिटी है तो पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है, तो पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। जैसा देखो इस आर्टिकल में तो खैर ये पॉइंट नहीं बताया गया, बट ये एक चाइना के अंदर संघाई सिटी में यूज किया गया था जिसका नाम था ड्रैगन मॉडल, जो कि एक्चुअली पहले लास्ट ईयर के आर्टिकल वगैरह में आता था, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ड्रैगन मॉडल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि भैया सिटी वगैरह के स्टैंडर्ड तय कर दें कि इससे कम इनकम वाले से ये स्टैंडर्ड तय कर दिया कि हाँ भाई जिस इंसान के पास ये मतलब 10 लाख की गाड़ी है वही इंसान सिटी के इस वाले एरिया में रह सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो सिटी में फालतू जो भीड़ होती है वो नहीं हो पाएगी। तो कई कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि जो वहाँ पे एक्स्ट्रा भीड़ वगैरह हो रही है उसको दूर है वो किया जा सके। तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट जो पॉइंट्स वो मैंने आपको बता दिए, कुछ 2-4 पॉइंट है वो पीछे के भी बताए हैं आर्टिकल के। तो ये थी हमारी इस लेक्चर की, आगे देखते हैं अगला जो हमारा आता है आर्टिकल वो आता है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो देखो राइटर का सबसे पहला पॉइंट ये आ रहा है कि लगभग हमारे देश में देखा जाए तो इस साल के एंड तक 500 मिलियन इंटरनेट यूजर हो जाएंगे, मतलब इंटरनेट यूजर की कोई कमी नहीं है, 500 मिलियन इंटरनेट यूजर इंडिया में लगभग हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भैया फिर भी साइबर थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी पे लगातार अटैक है वो हो रहे हैं।
इसके बाद में एक रिपोर्ट बताएगी, एक इंडेक्स बताया गया, वो नाम उस इंडेक्स आपको ध्यान रखना है, ब्रेस लेवल इंडेक्स है ये, एक्चुअली जिम ऑल्टो एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसको जारी है, पब्लिश है, वो किया गया है। और इसमें ये चीज़ सामने आई है इस जो इंडेक्स है इसमें, ब्रेस लेवल इंडेक्स में, कि भैया इंडिया में 2017 की अगर देखी जाए तो 783% जो केसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, मतलब 783% केसेस हैं इंडिया में वो इंक्रीज हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कि 100 गुना भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 783% केस इंडिया में बढ़ चुके हैं। जैसे मान लो कि 2016 में अगर साइबर क्राइम का एक केस था तो इस बार केस हो गए सीधे ही 783, तो मतलब केस बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप उठाने होंगे। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो जो गवर्नमेंट का डाटा है वो भी हैक हो रहा है। हम काफ़ी बार न्यूज़ देखते हैं कि मिनिस्ट्री की साइट हैक हो गई, मिनिस्ट्री का ये इस बार ये सर्वर हैक हो गया, यहाँ पे इशू वगैरह आ रहे हैं। ये बात मिनिस्ट्री की नहीं है, ये काफ़ी जगह डाटा लीक होता है और बहुत सी तो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती नहीं है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बॉडी काम करती है जिसका नाम है CERTIN। तो ये आपको बताना है कि CERTIN स्टेचुरी बॉडी है, कौन सी बॉडी है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो CERTIN उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हमें सिक्योर करनी है। इसके बाद में थोड़ा डाटा दिया गया है, आप इसका कहीं यूज कर सकते हो वैल्यूएशन में, कि जो इंडिया में साइबर अटैक होते हैं उसमें 27% डाटा है वो तो हेल्थ सेक्टर का चोरी होता है। इसके बाद बात करें फाइनेंशियल सर्विस की तो उसका 12% डाटा चोरी हो जाता है। बात करें एजुकेशन की तो उसका 11% डाटा चोरी हो रहा है। और बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट का लगभग 11% डाटा है वो चोरी हो रहा है। लगातार ATM फ्रॉड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इंडिया में काफ़ी सारे डेबिट कार्ड थे उनका डाटा चोरी हुआ था। इसके साथ ही जो आधार कार्ड की अथॉरिटी है UIAI है उसके द्वारा भी देखा गया कि डाटा लगातार चोरी होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम साइबर सिक्योरिटी के लिए स्टेप नहीं उठा रहे हैं, उनकी तरफ हमें फोकस करना होगा। अब बाद में राइटर ये कह रहे हैं लास्ट में कि भैया देखो जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप बात कर रहे हो, कि देखो गवर्नमेंट है जनधन आधार मोबाइल लेके आई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वो प्रोवाइड करना है, तो राइटर का यह कहना है कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आप तब प्रोवाइड करोगे ना जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन को सिक्योर कर सकोगे। जब तक लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ भाई हमारा पैसा अगर ऑनलाइन रहे अकाउंट वगैरह में तो वो सेफ है, तब तक लोग ऑनलाइन पैसा रखेंगे ही नहीं। इसलिए तो इंडिया में मैक्सिमम जो लोग हैं वो पैसा अपने पास केस की फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। तो सबसे बात द्वारा जो राइटर का पॉइंट है वो ये आ रहा है कि देखो हमें एक सिक्योरिटी क्लियर रखनी होगी, लोगों का भरोसा हमें बनाए रखना होगा, लोगों का भरोसा कायम करना होगा कि हाँ भैया जो पैसा है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट उसको सिक्योर रखेगी, तभी डिजिटल ट्रांजेक्शन जैसी चीज़ें वो सक्सेसफुल हो पाएंगी। जनधन आधार मोबाइल है उन चीज़ों को तभी गति मिलेगी जब हम सिक्योरिटी को यहाँ पे क्लियर रखेंगे। इसके बाद में लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने अपने डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ लेके आई थी ताकि कोई भी और गवर्नमेंट वगैरह है वो इंडिविजुअल पर्सन का डाटा वगैरह वो हैक ना कर सके, उसको मिसयूज ना कर सके, तो इसी तहत गवर्नमेंट को भी एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाना चाहिए ताकि लोगों को सिक्योरिटी फील हो और वो जो ट्रांजेक्शन वगैरह हैं उनको ऑनलाइन वगैरह कर सकें। तो ये इस आर्टिकल के कंप्लीट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे देखे। लास्ट में जो आर्टिकल है हमारा आज डिस्कस करें वो है फ्यूल एंड पेट्रोल के बारे में। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो जो फ्यूल वगैरह है, पेट्रोल डीजल वगैरह है, इनमें गवर्नमेंट ये प्रावधान कर रही है बार बार कि एथेनॉल है उसको मिक्स किया जाए। अब एथेनॉल की बात ऐसी है कि एथेनॉल है वो एक तो काफ़ी सस्ता होता है, इसके साथ ही क्या इजीली वो मिल भी जाता है, क्योंकि इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में अवेलेबल है। बट दिक्कत यह कि इंडिया के भी जो इंडस्ट्री हैं वो इसको बना नहीं पा रही हैं, मतलब इसको जितनी मात्रा में हमें प्रोडक्शन की जरूरत है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। देखो ये एथेनॉल है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस का होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का जो एथेनॉल है वो जैसे गेहूँ चावल जो भी ऐसी अनाज वगैरह हैं इनको इनसे बनाया जाता है। सेकेंड स्टेज का होता है वो बनाया जाता है कि जैसे जो घास फूस कचरा वगैरह बच गया उसकी हेल्प से। और थर्ड स्टेज का वो होता है जो कि लाइकेन जो नहीं होती कि सेवाल वगैरह इनसे बनाया जाता है। इस तरीके के डिफरेंट टाइप के एथेनॉल है वो होते हैं। अब अगर एथेनॉल हम पेट्रोल डीजल में मिक्स करते हैं तो उसका बेनिफिट एक तो ये होता है कि जो खतरनाक जो गैसें निकलती हैं SO2 NO2 वगैरह पेट्रोल डीजल के दहन से वो गैसें कम होंगी, तो मतलब क्या होगा पोल्यूशन कम हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, पेट्रोल हमें देखो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है पूरा पेट्रोल क्रूड ऑयल, तो अगर हम फ्यूल ये एथेनॉल मिक्स कर देंगे इंडिया में प्रोडक्शन करके तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारी सिक्योर हो जाएगी और हमें बाहर से फ्यूल है वो कम इंपोर्ट करना होगा, तो इसलिए इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद में थोड़ी KHSD में ये बताया गया है कि देखो उड़ीसा है ना उसके अंदर, उड़ीसा स्टेट एक ऐसा है इंडिया का जहाँ पे अभी भी पेट्रोल डीजल के अंदर एथेनॉल वो मिक्स नहीं किया जा रहा है, मतलब 0% एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, तो काफ़ी शर्मनाक बात है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो बहुत लग गई है, गवर्नमेंट ने लगभग 2005 के टाइम पर गाइडलाइन लाई थी,
नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के नाम पे कि भैया हम 5% एथेनॉल ना वो मिक्स करेंगे एटलीस्ट कम से कम। बट राइटर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो 5% की बात की थी ना 2003-05 के टाइम पे, वो आज भी पूरी नहीं हुई है। जबकि आज तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भैया हम 20% के आसपास मिक्सअप करेंगे। आज भी अगर देखा जाए तो इंडिया में 2-4% एवरेज एथेनॉल है वो मिक्स किया जा रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब दिक्कत हमें आ रही है। फिर यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज हैं वो एथेनॉल को 85% तक मिक्स कर रही हैं, ब्राजील जैसी कंट्री है वो 100% एथेनॉल को मिक्स करके फ्यूल बना रही है। मतलब वहाँ पे फ्यूल वो काफ़ी सस्ता आ गया, पोल्यूशन बहुत कम हो रहा है, जहरीली गैसें कम निकल रही हैं, तो वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। इसके बाद में राइटर सजेशन में ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया को सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा एथेनॉल का, मिक्सिंग नहीं होगी, तब तक बेनिफिट नहीं होने वाला, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। इसके साथ ही पॉजिटिव पॉइंट में बात की जा रही है कि इसका फायदा क्या होगा। तो एक तो देखो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा लोगों के लिए पेट्रोल डीजल, इसके बाद में ऑयल इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, एनर्जी डिमांड है हमारी वो कम हो जाएगी बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंसी, इसके बाद में किसानों की जो इनकम डबल करने का कॉन्सेप्ट है उसमें भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो एथेनॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो किसानों से ही लिया जाएगा ना, फसल रेसिड्यू वगैरह जिस चीज़ों से, तो इसलिए किसानों को भी इससे फायदा होगा। इसके बाद में बात की जा रही है ग्रीन एनर्जी प्रमोट होगी, और इसके साथ ही सेल्फ सफिशियंट मतलब इंडिया आत्मनिर्भर बन जाएगा, किसी दूसरी कंट्री पर एनर्जी के लिए डिपेंड है वो नहीं होना पड़ेगा। ये यहाँ पे पॉइंट था। इसके बाद में लास्ट में वे फॉरवर्ड में राइटर का ये कहना है कि देखो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत है। जब तक एक प्रॉपर रोड मैप नहीं बनेगा, गाइडलाइन नहीं बनेगी, तब तक इस दिशा में काम नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट को ये कदम उठाने होंगे, तभी अच्छा रिजल्ट है वो मिलने वाला है। तो ये तो थी हमारी कंप्लीट आर्टिकल। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है, जो दो आर्टिकल रह गए हैं उन्हें हम सैटरडे की डिस्कशन में इंक्लूड है वो करेंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।